इधर तीन तरीके के पेशेंट आए, तीन पेशेंट्स आए थे, तीनों में अलग अलग तरीके के ये पेल्विक रिंग फ्रैक्चर हुआ था। एक पेशेंट में जैसे हुआ था कि ये जो हम रिंग बता रहा हूँ मैं, पेल्विक रिंग इधर से खुल गया था, वो पूरा ओपन हो गया था, और इधर से हड्डी टूटा था, जो मैं मार किया हो ना, इधर से हड्डी टूट के ऐसे बाहर निकल गया था। उसको हम बिठा के दोनों जगह पे प्लेट डाल के बिठाना पड़ा। और दूसरे पेशेंट था, उधर से एक्चुअली पूरा ये पैर से लेके इधर से लेके इधर तक पूरा टूट गया था, उसको हम प्लेट डाल के बिठाना पड़ा। तीसरा पेशेंट में इधर जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ब्लैक मार्क, इधर से चोट लग के इसको पूरा मतलब पैर पैर के हड्डी रहती है ना, वो बाहर निकल गया था, उसको हम वापस में लेकर आके बिठा के प्लेट डालना पड़ा। और ऐसे केसेस इतना स्पेशल क्यों है, हम क्यों इसके बारे में इतने बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये हैंडल करने के लिए तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक है एक्सपर्ट टीम, इसको हैंडल करने के लिए इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग हमारे पास है, क्योंकि मैं जहाँ से सीख के, हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से इसके बारे में 1.5 साल सीख के आया, तो उस ट्रेनिंग के सहारे में मैं ये सर्जरी कर पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, वही ऑपरेशन करने के लिए बहुत अच्छा ओटी सेटअप और हॉस्पिटल बैकअप चाहिए, वो हॉस्पिटल हमारे सर के पास है इस हॉस्पिटल में। और तीसरी चीज़, जो भी इसमें क्रिटिकल कंडीशंस रहता है इसको हैंडल करने के लिए आईसीयू और अनस्थीसिया के बैकअप, बहुत अच्छे बैकअप चाहिए, वो डॉक्टर अनिल सर हमें दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ मिल के हम ये वाले सर्जरी कर पा रहे हैं। और ये सर्जरी के बारे में इतने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे पेशेंट्स जब भी ऐसे चोट लगता था, डॉक्टर्स देखते थे एक्सरे में, देख के ये इधर नहीं होता, आप जाओ हैदराबाद लेकर जाओ या बेंगलोर लेकर जाओ या दूसरे सोलापुर लेकर जाओ, ऐसे भेज देते। और ऐसे केसेस में उतना दूर तक जाके सर्जरी कराने तक आधे से आधा पेशेंट मर जाते थे। तो और ऐसे पेशेंट्स में कैसे, अभी जब सिर को चोट लगता है ना, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट देते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाता है। इसमें भी वैसे है, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन करके सही करते हैं उतना जल्दी पेशेंट बचने का चांसेस बढ़ता है। तो इसलिए मैं ये प्रेस मीट के थ्रू हम यही कन्वे करना चाह रहे हैं, हमारे कल्याण कर्नाटका में, हमारे कलबुर्गी में ऐसे वाले डिफिकल्ट केसेस हम हैंडल कर रहे हैं और पेशेंट को बचा रहे हैं। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लास्ट वीक तीन ऐसे मेजर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हुए हैं जिनमें मेजरली पेल्विक बोन फ्रैक्चर केस थे, जो एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, एक ऑर्थोपेडिक फील्ड में एक चैलेंजिंग एंड वेरी हाई रिस्क केस होता है, जो यूजुअली गुलबर्गा जैसे शहर में नहीं होते थे केसेस, आजकल हो रहे हैं। तो ऐसे मेजर केसेस ऑपरेट हो रहे हैं एंड इन केसेस में क्या करना चाहिए, कैसे इमिडिएटली डायग्नोज करना चाहिए। यूजुअली देखते हैं कि ऑर्थोपेडिक केसेस में जैसे कि ह्यूमरस फ्रैक्चर है या फिर रेडियस अल्ना फ्रैक्चर है, जो ऊपर का हाथ है या पैरों का है जो फ्रैक्चर होता है, तो यूजुअली आंखों को दिखता है। जो पेल्विस बोन फ्रैक्चर है, जो यूजुअली ये कवर्ड एरिया रहता है, तो डायग्नोस करना थोड़ा लेट होता है, जिससे जो है ना डेथ होने के पेशेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेल्विस फ्रैक्चर केसेस में इमिडिएटली कैसे डायग्नोसिस किया जाए और डायग्नोसिस करने के बाद इमिडिएटली क्या करना चाहिए, एंड जब सर्जरी जाता है तो सर्जरी कितना हाई रिस्क होता है, क्यों हाई रिस्क होता है, ये सब चीज़ का एक अवेयरनेस, पेल्विस फ्रैक्चर केसेस का एक अवेयरनेस के लिए हम आज ये प्रेस मीट रखे हैं। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, एंड ये जो तीन केसेस हमारे पास जो ऑपरेट किए हैं हम, ये तीनों एक टाइप जब आए थे तो दे वेर वेरी वेरी इन बैड कंडीशन, क्योंकि इंटरनल, जब पेल्विस फ्रैक्चर होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जो बीपी कम हो जाता है उससे, तो पेशेंट अनस्टेबल रहते हैं। एंड इन इस केसेस को इमिडिएटली हमको ओटी शिफ्ट करना होता है। अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है, काफ़ी वाइटल्स बहुत ही ज़्यादा कम हैं, तो उसको पहले स्टेबलाइज करना पड़ता है, फिर इमिडिएटली शिफ्ट करना पड़ता है ओटी को। तो ऐसे तीनों केसेस ऑपरेट हुए हैं एंड जस्ट विद इन 3 to 4 days पेशेंट अभी चल रहा है अच्छे से, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे केसेस आज मन्नूर हॉस्पिटल में हो रहा है, तो ये हमारे एक ट्रॉमा टीम की एक बड़ी अच्छी कोशिश से आज ये हम रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। तो ये केसेस में एनेस्थीसिया के क्या चैलेंजेस रहते हैं, हमारे डॉक्टर अनिल कुनूर सर जो एनेस्थेटिस्ट एंड चीफ इंटेंसिविस्ट हैं, वो बताएंगे। एंड इस केस के बारे में डिटेल्स डॉक्टर विवेक वीरेश, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन मनूर हॉस्पिटल की तरफ से, ये हर चीज़ आपको बताएंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार, मैं चीफ एनेस्थेटिस्ट और इधर का चीफ इंटेंसिविस्ट हूँ मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। एक्चुअली ये जो पेल्विक फ्रैक्चर जो केस है, ये जो मेजर बोन है बॉडी का, एक जैसे हाथ पैर जो सर कह रहे थे, हाथ पैर टूटे तो हमको एक्सटर्नली दिख के आता है, जो पेल्विक फ्रैक्चर पेशेंट जब हमारे पास जो कैजुअलिटी को आए थे, उसमें जो एक फीमेल है, जो थर्ड केस है, जो फीमेल है, शी इज़ वेरी फैट, बहुत मोटी, इसमें वेल बिल्ड था,
बहुत फैट होने के वजह से उनमें ऐसे चीज़ों में दिख के नहीं आता यूजुअली। सो कंटिन्यूस पेशेंट को जब हम कैजुअलिटी में देखें, सब देख रहे हैं कि बीपी पिकअप नहीं हो रहा है, ये कॉज क्या हो सकता है। जब हम ओवरऑल हेड टू टो एग्जामिन जब बॉडी करें, जो पेल्विक बोन का जो स्ट्रक्चर है इट्स इटसेल्फ इज ए वाइड, और इसमें इतना कैपेसिटी रहता है कि ब्लड जो भी जाता है दिख के नहीं आता है, इट्स ए बिना देखे हमको डायग्नोस करना इट सेल्फ इज ए चैलेंजिंग इन पेल्विक फ्रैक्चर्स। सो हम देखते कि जब टेस्ट करें एग्जामिन करें देर हार्ड, जब प्रेस करते तो हार्ड क्रैकिंग साउंड आता है या डिस्प्लेसमेंट हमको फील होता है बाहर से देखने के बाद, तो वो जो है रोल आउट करने के लिए इमीडिएटली एक्सरे लिए, जो सीटी स्कैन के लिए अर्जेंटली भेजे, तो देखा तो बिग पेल्विक फ्रैक्चर जो स्ट्रक्चर्स टूटे हुए, जो डिटेल में सर आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ टूटे थे क्या हुआ था एक्चुअल एग्जैक्टली। तो इसका रिसस्टेशन का जो रोल है मेन, गिविंग मल्टीपल ब्लड जो है ब्लड ब्लड प्रोडक्ट ब्लड बैंक से बात करके इमीडिएटली अरेंज करवाना हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन ट्रेस करके इफ़ द नीड सर्जरी को लेना पड़ सकता है तो इमरजेंसी हम रिलेटिव को वही इससे काउंसलिंग भी करना पड़ता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का एस्केलेट भी करना पड़ सकता है। वो एक चीज़ जैसे कि हम ऑस्पिरेशन थिएटर में लिए, एनेस्थीसिया देना इन पेशेंट्स में इतना चैलेंज है कि जो बोन है हम उस पर ही बैठते हैं सोते हैं करते हैं, जो उसमें देना इतना डिफिकल्ट है कि पेशेंट का पोजिशन दे ही नहीं पाते। अब थोड़े पेशेंट ऐसे रहते इतने फैट रहते उनमें मशीन पे वेंटिलेटर पे डाल के करना इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, क्योंकि बाहर आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि 55-60 एज इज़ द फैक्टर, उनको मशीन पे डाले वेंटिलेटर से बाहर आने के चांसेस थोड़ा कम रहते, आते बट थोड़ा कम रहते। वो एक्सप्लेन करना पेशेंट के रिलेटिव्स को, काउंसलिंग करके उनका कॉन्फिडेंस में लेना, ये पेल्विक फ्रैक्चर का डिटेल में वो बता के उसका स्टेबलाइज करना। सो थोड़े चैलेंजेस है जो एनेस्थीसिया की तरफ से हो सकते हैं। और दूसरा चीज़, इनको जब ओटी हुआ यूजुअली 4 to 5 hours, 6 hours का सर्जरीज है, 6 hours में सर्जरी जब कंप्लीट हुआ पोस्ट ऑप पेन बहुत रहता है क्योंकि इतना बड़ा बोन है, इतना ऑलरेडी एक छोटा हाथ टूटा तो इतना दर्द होता है हमको, इतना बड़ा बोन का पेन मैनेजमेंट जो ICU में हम पोस्ट ऑप करते विदाउट इन्फेक्शन एस्केलेशन एंटीबायोटिक्स हायर एंटीबायोटिक्स डाल के अर्ली फिजियोथेरेपी वी हैव टू स्टार्ट, बोल तो 3 दिन में ही पेशेंट इतना फास्टली रिकवरी हो गया कि हम फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट करें, अभी मोबिलाइज करके व्हीलचेयर पे बैठे इन द 5th day ओनली। सो वो मोटो है कि पेल्विक फ्रैक्चर जो है बिग केसेस है, जो चैलेंजिंग केसेस है, हम इधर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी इन बींग ए नॉर्थ कर्नाटका वी आर ऑपरेटिंग, सो इट्स एक अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में कि ये बड़े सर्जरीज भी अपने पास हो सकते हैं और अच्छे से रिकवरी हो, दैट्स ए प्रूफ। सो वो होने के बाद हम एक प्रेस मीट का अरेंज करके दिखाना चाह रहे हैं, और जो जो चैलेंजेस अभी सर्जन के तरफ से जो जो चैलेंजेस उनको हुए बींग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, अभी सर बताएंगे कि कितना डिफिकल्टी हो सकता है क्योंकि इतने वाइटल स्ट्रक्चर्स है कि बॉडी के पेल्विस में जैसे ब्लैडर रहता है, जो पेशाब का थैली रहता है, संडास जाने का जो नली वो सब रहता है, जो वो वाइटल स्ट्रक्चर्स है बिना उनको डैमेज करे कैसा ऑपरेटिंग चैलेंजेस जो सर लिए, हमारे ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर विवेक सर बात करेंगे उसके ऊपर। गुड आफ्टरनून एवरी वन, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक विरेश, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन MS ऑर्थोपेडिक्स मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम इस प्रेस मीट करने के लिए 3 reasons है। एक रीज़न जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं पेल्विक बोन फ्रैक्चर, ये उतना कॉमन फ्रैक्चर नहीं है और यूजली हर एक्सीडेंट में ऐसे फ्रैक्चर नहीं होता है, जब भी होता है तब आई वेलोसिटी इंजरी बोलते हैं, तब हाईवे में बहुत ऐसे ट्रक और बाइक के बीच में जब टक्कर होता है या कार और टक्कर ट्रक के बीच में होता है, ऐसे हाई वेलोसिटी इंजरीज में इसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो और अभी आजकल के मतलब बहुत लोग बहुत तेज से गाड़ी चलाने की वजह से ऐसे फ्रैक्चर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें दो चीज़ होता है, एक चीज़ फ्रैक्चर होने के बाद डायग्नोज होना उतना आसान नहीं है क्योंकि सर जैसे बोल रहे थे हाथ पैर में जब भी चोट लगता है दिख जाता है, बट ये कमर के नीचे आता है, ये जब कमर है कमर के इस लेवल पे आता है हड्डी और वो पूरा क्लोज्ड स्पेस है, उधर जितना भी चोट लगी हो पेशेंट होश में है तो बोल सकता है कि इधर दर्द है, जब बेहोश में रहता है तब वो पता भी नहीं चलता उसको कहाँ पे चोट लगी है। और ऐसे इसमें जितना जल्दी हम डायग्नोज करते हैं, जितना जल्दी हमें पता चलता है उतना जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं, और ये ऐसा फ्रैक्चर है इसमें हम कितना लेट करेंगे उतना जल्दी पेशेंट की जान जाने का खतरा रहता है, क्योंकि ये बोन आप इधर हम इसलिए आपको समझाने के लिए मॉडल रखे हैं। देखिए अभी हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उधर ऐसे राउंड होके बन जाता है, क्योंकि अंदर के जो भी ऑर्गन्स रहता है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए, अभी ये सिर के मतलब हमारा ब्रेन बचाने के लिए हमारा जो भी स्कल है पूरा राउंड है क्योंकि अंदर जो भी चोट लगती है ना अंदर तक नहीं पहुँचना है बोल के, वैसे इधर भी इधर के अंदर बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स आते हैं, जैसे सर बोल रहे थे पेशाब के तैली और ऐसे संडास के वो तैली रहता ना वो रहता है, और बहुत सारे बड़े बड़े खून की नस रहती है, और इधर जब भी चोट लगती है अंदर तक जब चोट चली जाती है वो फट सकती है, खून के नस जब फट जाते ही आराम से 2-3 घंटे के अंदर पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसलिए ये वाले हड्डी जब टूट
टूटता है पेशेंट को जान को बहुत खतरा होता है, और इसमें जल्दी उसको हमें समझना और उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये पॉसिबिलिटी बैकबोन जो टूटने से परमानेंटली मतलब डैमेज हो सकता है, आदमी चल नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है। बैकबोन इसके ऊपर से आता है बैकबोन, और उसके पीछे से ही सारे पैर के नस जाती है। जब एक्चुअली बैकबोन टूटती है वो नस कट गया था, उसके वजह से पूरा कट गया तो दोनों पैर काम करना बंद कर देते। सर घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है पेशेंट कंडीशन ठीक होने के बाद? वो बहुत हैप्पी है, क्योंकि जब चोट लगी थी उनको मतलब पैर हिला भी नहीं पा रहे थे और कम्प्लीट वो सुन्न हो गया था। जब ऑपरेशन के बाद वो एटलीस्ट अपने आप से बैठ पा रहे, अभी व्हील चेयर में आ सक रहे, तो दे आर वेरी हैप्पी। सर ऐसे केसेस में कितना टाइम लगता है सर? अभी जैसे बता रहे हैं 4 से 5 दिन में वो व्हील चेयर पर बैठ सक रहे हैं, नॉर्मली अगर होता है तो कितना वक्त लगता है ऐसे पेशेंट्स को क्योर होने के लिए? क्योर होने के लिए नॉर्मली मतलब अपने आप से वो बेड पर बैठने के लिए, ऐसे चेयर पर बैठने के लिए मिनिमम 5 डेज में 6 दिन में हम कर सकते हैं, और बट उनके पैर के ऊपर वजन डाल के चलने के लिए मिनिमम 2-3 महीने लगता है।